हे हाय, मेरा नाम है डॉक्टर अमित गुप्ता और आज का मेरा वीडियो है वो है बॉडी एक्ने के ऊपर। आपको बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, बॉडी में एक्ने आते हैं, पीठ में एक्ने आ जाते हैं, हाथों में एक्ने आ रहे होते हैं, जो बहुत टफ होते हैं ट्रीट करने के लिए। तो ये वीडियो मेरा उन्हीं के लिए है, बेचारों के लिए जिनको बहुत प्रॉब्लम है और जो डॉक्टर्स के पास अभी लॉकडाउन में नहीं जा पा रहे हैं। तो घर पे बैठ के मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, उसको फॉलो कीजिए और अपने बॉडी एक्ने को ख़त्म कर लीजिए। तो अभी मैं फेस एक्ने की बात बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मेडिकेटेड कोई गोली दवाई नहीं बता रहा हूँ इस वीडियो में। मैं सिर्फ स्प्रे, क्लींजर एंड सोप के बारे में बात करूँगा, तो जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो अब या अभी जो बता रहा हूँ ना, 200-300 रुपये तक आएगा, तो प्लीज़ बियर करना, इतना तो आपको अपने बॉडी के एक्ने ख़त्म करने के लिए खर्चा करना पड़ेगा। अब इतना भी नहीं कर पाओगे तो या फिर मैं कुछ नहीं बता सकता, फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो अगर अपने ऊपर आप 200-300 रुपये खर्च कर सकते हैं अपने लिए, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके पास, जो देखो बॉडी एक्ने होते क्यों हैं, पहली बात एक्ने ही क्यों होते हैं। तो जब हमारी बॉडी में एंड्रोजेंस का लेवल बढ़ता है, लाइक सेक्स हार्मोन का लेवल बढ़ता है, बॉडी बॉयज में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, फीमेल में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, या फीमेल में किसी कारण से पीसीओडी के कारण या किसी भी रीज़न से जब बॉडी के अंदर फीमेल्स में या मेल्स के टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, दैट मीन्स एंड्रोजेंस का लेवल बढ़ता है, तो वो सीबम का सिक्रेशन ज़्यादा करा देता है। सीबम ग्लैंड होती है, सीबम एक ग्लैंड होता है जो सीबम बनाता है, हमारी स्किन की लेयर में ग्लैंड होता है जो सीबम बनाता है। तो सीबम का प्रोडक्शन जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऑयली हो जाती है स्किन, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि वहाँ पर जब सीबम ज़्यादा बनता है तो जो पोर्स होते हैं, जैसे पोर्स है ना, छोटे छोटे पोर्स होते हैं स्किन के, छेद होता है छेद, तो इन छेदों में वहाँ पे डर्ट फंस जाती है, गंदगी फंस जाती है, हमारे स्किन के सेल्स फंस जाते हैं। फिर हम पीठ की बात करूँ तो पीठ में जो पोर्स है उन छेद में वहाँ पे जो डेड स्किन होती है वो भी फंस जाती है, कई बार गंदगी फंस जाती है, आप ढंग से नहाते नहीं तो मैल जम जाता है, कीट जम जाती है, क्योंकि बैक में आप ढंग से क्लीन नहीं कर पाते। तो अभी क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो बैक में हो, हाथों में हो या चेहरे में हो, तो यहाँ पे जब भी वो पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, तो वहाँ पे वो सांस ही नहीं ले पाती स्किन। अभी क्या हो रहा है, वहाँ पे जो पी एक्नेई बैक्टीरिया जो है वो प्रोलीफरेट होता है, उसको खूब सारा खाना पीना मिलने लगता है, ओके मैं आज यहाँ पे ग्रो करूँगा। और वो जब वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, वहाँ पे जब उस वहाँ पे ग्रो होने लगता है, तो हमारी बॉडी को पता चलता है ओ शिट ये क्या हुआ, यहाँ पे एक्ने के बैक्टीरिया आ गए, हमें इसको मारना पड़ेगा, तो डिशुम करने पहुँच जाते हैं। और जब उनको मारने लगता है तो वहाँ पे पस पड़ने लगता है, दैट मीन्स WBC वहाँ पे मर रहे होते हैं। तो दीज आर मतलब जो भी फाइटिंग होती है हमारी बॉडी का, वो जो फिजियोलॉजिकल और ये जो पैथोलॉजिकल इफेक्ट मैं यहाँ पे बैठने के लिए नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको समझ में भी नहीं आएगा, बट ये ओके। तो वो जब आपस में लड़ रहे होते हैं तो वहाँ पे पस पड़ने लगता है, पस नोडुलोसिस्टिक एक्ने, तो बड़ा बड़ा एक्ने होने लगते हैं। तो रीज़न क्या है यहाँ पे, एंड्रोजेंस का लेवल बिगड़ना और सीबम का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाना, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन चीज़ ये है। अब किसी भी रीज़न से आपकी बॉडी में हार्मोन्स का चेंजेस होने लगेगा, प्यूबर्टी के कारण होगा या कोई भी मेडिसिन आपने खाई, आपने स्टेरॉइड लगा लिए बॉडी में, जिम जा रहे हैं, बहुत से लोग होते हैं जो जिम जाते हैं वो स्टेरॉइड ले लेते हैं, एनाबॉलिक टैबलेट्स खा लेते हैं, एनाबॉल आती है, डायनाबॉल आती है, बहुत से मेडिसिन आती हैं जो खा लेते हैं, जो लिवर को भी डैमेज करती है, बॉडी को भी डैमेज करती है और एक्ने कॉज करती है, बिकॉज वो बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल एकदम शूट आउट कर देती है। और बॉडी के अंदर एकदम जब टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है तो वो सीबम ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगता है, ऑयली स्किन हो जाती है और एक्ने कॉज होने लगते हैं। उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, वो मैं नहीं बताऊंगा, मैं अभी एक्ने के ऊपर ले रहा हूँ। तो हमें करना क्या है, सबसे पहली बात हमें अपने एक्ने जो एरिया है उसको क्लीन रखना है। तो उसके लिए मैं आपको सर्च करूँगा पैरोबार सोप, दिस इज़ अ वेरी गुड पैरोबार सोप, 5% है बेंजोइल परोक्साइड, इसमें अजंता कंपनी का है, बेंजोइल परोक्साइड के साथ है इसमें, और आप नहाते समय एटलीस्ट 5 मिनट इसको लगा कर रखें। इस सोप की प्राइस है 148 रुपीज़, ये बेंजोइल परोक्साइड है 5%, सोप की प्राइस है 148, इससे आप डेली नहाइए। आप इसको फेस पे भी लगा सकते हो, हैंड पे जहाँ भी एक्ने है वहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हो, इस सोप को पैरो बार सोप। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक डाल दूंगा, इफ़ यू वांट यू कैन बाय इट ऑनलाइन और ये आपको किसी भी आपके मेडिकल स्टोर पे, लोकल मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं जस्ट एक एजुकेशन के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या यूज़ कर सकते हो, बिकॉज दीज ऑल सेफ थिंग्स, ये आप थोड़ा फॉलो करेंगे तो आपको डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर में बैठ के सोप और क्लींजर से ही चेंज करके आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। मैं इसमें सीवियर अगर एक्ने है तो आपको फिर कुछ एंटीबायोटिक भी लेनी पड़ेगी, जो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, बिकॉज के लिए फिर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन और प्रॉपर बॉडी का भी चेकअप करना पड़ता है, कि बॉडी के ब्लड टेस्ट और समथिंग कुछ होता है तो वो देखना पड़ेगा, या बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो अगर आपका ऐसा कुछ है तो मैं नीचे कंसल्टेशन की, ऑनलाइन कंसल्टेशन की लिंक डाल दूंगा, आप जाके मेरे से ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा कि एक्जैक्टली आपको और क्या करना है, साथ में लेना है। बट घर में बैठ के आप ये सोप से नहा सकते हो।
वैसे भी अगर आपको थोड़े बहुत भी एक्ने आते हैं तो आप इस सोप से नहाया करें, ही आपके वो बेंजोइक पेरोक्साइड उन एक्नों को बढ़ने नहीं देगा। दूसरी बात, एक ये एक्नेनोमिक्स का फेस प्यूरीफाई क्लींजर, इट्स वेरी गुड क्लींजर एक्ने के लिए, 4-in-1 इसमें वर्क होता है। ये स्किन को प्यूरीफाई करता है, स्किन को क्लीन करता है, चाहे बैक की स्किन हो चाहे फेस की स्किन हो। आप ये स्पेशली फॉर फेस है, ये फेस में लगा सकते हो। बैक्टीरिया जो एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया उसको प्रिवेंट करता है ग्रो होने से। ओके, जो पी एक्ने बैक्टीरिया जो कॉजिंग फैक्टर है जो आपके एक्ने को बनाती है, जिसके कारण एक्ने बनते हैं, उन बैक्टीरिया को मार देता है डिशम डिशम करके। और ये सीबम जो कारण होता है, सीबम को भी सप्रेस करता है, उसको बनने नहीं देता है। तो इसमें जो प्रॉपर्टी है वो सीबम को भी सप्रेस करता है, पीएच को रेगुलेट करता है। आपकी स्किन का जो पीएच होता है, हमारी स्किन का पीएच होता है 5.3 to 5.5, ये आपको पता है, लिटिल एसिडिक होता है। जब ये पीएच बैलेंस होता है, एसिडिक होता है, तो कोई भी बैक्टीरिया फंगस आते हैं ना, तो उसको वो जी नहीं पाता, जिंदा नहीं रह पाता, क्योंकि एसिड में वो मर जाता है, जल जाता है। अब सुना ना, एसिड मुंह पे फेंक दो उसे जला देते हैं, कितने गंदे गंदे लोग होते हैं। तो ऐसे ही आप अपने स्किन का पीएच 5.3 to 5.5 रखेंगे, एसिडिक रखेंगे, तो ये बैक्टीरिया भी ऐसे उनका मुंह जल जाएगा, आप भी गंदे बन जाएंगे। बट ये कुछ काम अच्छे के लिए हम कर रहे हैं। ओके, तो ये आपकी स्किन में अगर रेडनेस आ रही है, एक्ने में रेडनेस आ रही है, तो ये फेस वॉश उसको भी इनहिबिट करेगा, ये आपके इरिटेशन और रेडनेस को नहीं आने देगा। साथ ही साथ एक्ने के मार्क्स है तो उसको भी कम कर देता है फेस वॉश। इट्स वेरी गुड फेस वॉश। आप इसको क्लींजर है, आपको इसको लगाना है डेली, इट्स लाइक क्लींजर है, और इसको फेस को गीला करके लगा के उस सर्कुलेशन डायरेक्शन में आपको अप्लाई करना है। ऐसे आपने एक चीज़ देखी, जब हम खीरा खाते हैं, खीरा मतलब ककड़ी खाते हैं, उसको उसका मुंह कट करते हैं और फिर ऐसे गुज करते हैं, तो उससे अंदर से विष पूरा निकल आता है। तो ऐसे आपको इसको लगा के ऐसा करना सर्कुलर डायरेक्शन में, तो उससे क्या होगा कि जितनी गंदगी होगी वो बाहर आ जाएगी, ठीक है, वो उसको सक कर लेगा, पंप आउट, वैक्यूम क्रिएट करके पंप आउट हो जाएगा। तो जितनी डर्ट वर्ट है वो सब क्लीन आउट हो जाएगी, और बैक्टीरिया पे ये अच्छे से डिशम डिशम करके उसको मार देगा, और सीबम को भी प्रोड्यूस होने में रोक देगा। तो कॉजिंग फैक्टर को आप बहुत सारे किस्म खत्म कर रहे हो। इसके बाद आता है तो क्लींजर था। ओके, सोप आपने बॉडी के लिए लगाया, क्लींजर फेस के लिए लगाया, आप ये सोप को फेस पे भी लगा सकते हो, ठीक है। और इसकी प्राइस क्या है, इसकी प्राइस है 299, 300 का क्लींजर है। ये बहुत ही अच्छा स्प्रे है, यूनिक स्प्रे है, एंड इट्स ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, में कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है। ये भी एक्नेनोमिक्स का है स्प्रे, एक्नेनोमिक्स का स्प्रे है। इसको आपको जस्ट स्प्रे करना है जिस भी एरिया में आपको एक्ने हो रहे हैं, यू हैव टू जस्ट स्प्रे इट एंड स्प्रे एंड लीव इट। ओके, लगा के छोड़ देने का, कुछ नहीं करने का, लगा के नहाने के बाद इस साबुन से नहा लेना, अच्छे से उसको पोंछ लेना, ऐसे पोंछ के और फिर इसको स्प्रे कर लेना। इट्स वेरी इजी, आप जहाँ पर पहुँच भी नहीं पाओगे वहाँ पे ये स्प्रे पहुँच जाएगा आपके, जहाँ हाथ नहीं पहुँच पा रहे वहाँ पे स्प्रे पहुँच जाएगा। आपको कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी फालतू चीज़ लगाने की जरूरत नहीं है। आप इस फेस को, इस स्प्रे को फेस पे भी लगा सकते हो। प्लीज़ क्लोज आँखों को अच्छे टाइट क्लोज रखिएगा और उसको स्प्रे करिएगा, या हाथ में लेके उसको अप्लाई कर लीजिएगा। आप हैंड में अगर आपको एक्ने हो रहे हैं, पीठ में हो रहे हैं, देखो जितने भी जिम के लौंडे होते हैं ना, जितने भी ड्रग्स वो ये स्टेरॉइड लगाते हैं, सब लगाते हैं, उनको बहुत एक्ने होते हैं। बहुत मेरे पास पेशेंट आते हैं जिनकी बॉडी तो बहुत अच्छी हो जाती है, बट पूरी पीठ गंदी सी एक्ने से भरी होती है। बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जिनको पीसीओडी के कारण एक्ने आ जाते हैं, पूरी बॉडी में एक्ने आ रहे होते हैं, तो वो बड़ी परेशान होती हैं कि अब इसको क्या करें, उसको गंदे गंदे निशान छोड़ के जाते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद वो बॉडी टी शर्ट या बनियान पहनी, बात बॉडी तो बहुत अच्छी बना लोगे पर वो दिखाने लायक ही नहीं बची है बिकॉज दाग धब्बे एक्ने से। तो उसके लिए आप अगर स्टार्टिंग से ये चीज़ें फॉलो करोगे ना, तो वो चीज़ वहाँ तक पहुँचोगे नहीं, वो गंदगी होगी ही नहीं। तो आई विल सजेस्ट कि आप जब भी नहाए तो पैरों बार सोप से नहाए। अगर आपको ऐसे इशूज़ हो रहे हैं कि ज़रूरी नहीं जो जिम जा रहे हो, जो स्ट्रेट साइकिल ले रहा है उसी की बात करो, मैं इन जनरल बात करूँ कि अगर आपको बॉडी एक्ने होते हैं तो पैरों बार सोप 5% है, आप इसे नहाइए, ठीक है। ये क्लींजर है, एक्नेनोमिक्स का क्लींजर, फेस क्लींजर, इससे फेस को क्लीन करिए। इट्स वेरी गुड फॉर एक्ने, स्पेशली एक्ने के लिए बहुत अच्छा है। इसे क्लीन करिए, क्लीन करने के बाद आपको ये स्प्रे करना है। कोई एंटीबायोटिक नहीं खाना है, कुछ नहीं करना, इसको फॉलो करिए, इसी से आपके खत्म हो जाएंगे। तो क्यों ज़्यादा खर्चा करके गोलियाँ खाना, मेरी बात को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, आपका जो भी डाउट है पूरी अपना चैट लेटर पूरा चिट्ठी लिखना अपनी फ़ोटो के साथ, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं मैसेज कोशिश करता हूँ देख लूँगा, नहीं देख पाता हूँ तो एक मुझे मेरी किसी भी वीडियो या फोटो में जाके वहाँ पे कमेंट छोड़ देना कि सर मैंने ये प्रॉब्लम आपको मैसेज की, प्लीज़ देख लो, मैं आपकी प्रॉब्लम को वहाँ पे देखूंगा और पूरा सॉर्ट आउट करके मतलब जो भी ट्रीटमेंट होगा मैं बता दूंगा। मैं कोशिश करता हूँ एक बार में आंसर करने का। प्लीज़ हाय हेलो मत करिएगा मेरे साथ वहाँ पे, हाय हेलो, हाय लिखिएगा करेंगे, हाय हेलो
मगर प्लीज एक साथ पूरा मैसेज लिखिएगा। आप हाई लिखोगे, मैं आपको लिखूंगा यस हाउ कैन आई हेल्प यू, फिर आप अपनी कहानी बताओगे मुझे ऐसा हो रहा है, फिर मैं पूछूंगा कैसा हो रहा है, फिर आप बताओगे ऐसा ऐसा ऐसा, मैं कहूँगा फोटो भेजो, इतना टाइम नहीं है, हमें फटाफट काम चाहिए, फटाफट ट्रीटमेंट चाहिए, तो आप फटाफट मुझसे पूरा एक साथ में बात करेंगे, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, तो स्टे ट्यून्ड विद मी डॉक्टर अभिनीत गुप्ता, बाय।